स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम सभी साउथ अमेरिकन मेजर रिवर्स के बारे में एनिमेशंस के थ्रू बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रिवर है ओरिनोको रिवर, वाटर डिस्चार्ज के टर्म्स में वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर, जिसकी लेंथ 2250 किलोमीटर्स है। दोस्तों, इस रिवर की शुरुआत वेनेजुएला के परिमा माउंटेन से होती है, जिसके बाद यह रिवर कोलंबिया एंड वेनेजुएला के बॉर्डर पर बहते हुए पोर्चो पाइस पहुंचती है, जहां कोलंबिया के एंडीज माउंटेन से आती हुई मेटा रिवर के साथ इसका संगम होता है, जिसके बाद यह रिवर वेनेजुएला के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स यानी कि लानोस से होते हुए ईस्टर्ली हो जाती है। एंड लानोस इस रीजन में एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट ये रिवर वेनेजुएला की सुइडाड गुयाना पहुंचती है, जहां ओरिनोको का संगम करोनी रिवर से होता है, जिसके बाद ये रिवर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। दोस्तों, इस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज में ओरिनोको क्रोकोडाइल पाया जाता है, जो वर्ल्ड का रेयरेस्ट रेप्टाइल भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट आप किस कॉन्टिनेंट के रिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आपका सपना यूपीएससी क्लियर करके आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या फिर आईआरएस बनने का है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी आईक्यू के लाइव फाउंडेशन कोर्स में अफोर्डेबल प्राइस में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स इंग्लिश और प्योर हिंदी में अवेलेबल है। यूज करें कोड आरटी लाइव का और पूरा करें अपना सपना यूपीएससी एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करने का। अमेज़न रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर और नाइल के बाद वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लेंथ अबाउट 6575 किलोमीटर की है। अमेज़न के ओरिजिन को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन कंसेंसस के अकॉर्डिंग अमेज़न की शुरुआत एंडीज फोल्ड माउंटेन्स की मिस्मी पीक के पास से होती है, जो कि पेरू में लोकेटेड है, जहां इस रिवर को रियो अप्यूरिमैक रिवर बोला जाता है। अप्यूरिमैक रिवर का संगम पेरू में यूसियाली रिवर से होता है और यूसियाली रिवर का संगम मैरानोन रिवर से, जिसके बाद इस कंबाइंड स्ट्रीम को अमेज़न बोला जाता है, जिसके बाद अमेज़न रिवर कोलंबिया और पेरू के बॉर्डर पर बहते हुए ब्राजील में एंटर कर जाती है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट से होते हुए बेलम के पास डेल्टा के थ्रू अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। अमेज़न पर एक भी ब्रिज नहीं है, जिसका मेन रीजन इस रिवर का हेविली फॉरेस्टेड कोर्स है। मदेरिया रिवर अमेज़न के लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा रियो नेग्रो, पुरूस अमेज़न की दूसरी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड इन सभी ट्रिब्यूटरीज के साथ अमेज़न का ड्रेनेज बेसिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। नेक्स्ट रिवर है साओ फ्रांसिस्को रिवर, और इस रिवर की शुरुआत होती है ब्राजील की स्टेट मिनास जेरियास के केनेस्त्रा माउंटेन रेंज से, जिसके बाद यह रिवर नदली डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ब्राजील के सेमी एरिड रीजन से पास करती है। एंड इसीलिए ब्राजील में एग्रीकल्चरली ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोब्रा दिनो डैम के बाद यह रिवर ईस्टर्ली टर्न लेते हुए अटलांटिक ओशन में जा गिरती है और इस रिवर की टोटल लेंथ 2830 किलोमीटर है। नेक्स्ट रिवर है पराना रिवर। पराना रिवर 4880 किलोमीटर की लेंथ के साथ वर्ल्ड की 8th लॉन्गेस्ट रिवर है एंड अमेज़न के बाद साउथ अमेरिका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर भी। पराना रिवर की शुरुआत ब्राजीलियन हाईलैंड्स के मेंटीक्वेरा माउंटेन्स में होती है, जहां इसे रियो ग्रांडे बोला जाता है, और सदर्न ब्राजील में रियो ग्रांडे रिवर का संगम परानीबा रिवर से होता है, जिसके बाद इस रिवर को पराना बोला जाता है, और इसके बाद ये रिवर पेरागुए और ब्राजील के बॉर्डर पर फ्लो करती है, और यहीं इस रिवर पर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट डैम लोकेटेड है, जिसे इताइपू डैम कहते हैं। उसके बाद ये रिवर पेरागुए और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर बहती है, जहां पेरागुए नाम की रिवर इसमें आकर मिलती है। नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना में अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए यह रिवर अटलांटिक ओशन की तरफ बढ़ती है और अपने माउथ से थोड़ा पहले यूरुग्वे से आती हुई यूरुग्वे रिवर का पानी रिसीव करती है, और इस संगम के बाद इस रिवर को रियो डी ला प्लाटा बोला जाता है। एंड इस एस्चुरी के थ्रू यह रिवर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है और रियो डी ला प्लाटा पर ही अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस एरीज लोकेटेड है। नेक्स्ट रिवर है कोलोराडो रिवर, जिसकी शुरुआत अर्जेंटीना के एंडीज माउंटेन से होती है और अबाउट 1000 किलोमीटर की लेंथ कवर करने के बाद यह रिवर अटलांटिक ओशन में जा गिरती है, और इस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी देसा गुआदेरो रिवर है। नेक्स्ट रिवर है रियो नेग्रो। दोस्तों, अमेज़न रिवर की एक ट्रिब्यूटरी का नाम भी नेग्रो रिवर है, लेकिन अर्जेंटीना के साउथ में भी एक और रिवर है, जिसका नाम रियो नेग्रो है। रियो नेग्रो की शुरुआत
न्यूक्विन एंड लिमे रिवर के संगम से होती है और ये दोनों ही रिवर्स एंडीज फोल्ड माउंटेन से आती हैं और ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये रिवर अटलांटिक ओशन में जा गिरती है। दोस्तों, रियो नेग्रो रिवर और कोलोराडो रिवर दोनों ही अर्जेंटीना के फर्टाइल पैम्पास ग्रासलैंड से होते हुए निकलती हैं। इसके अलावा चुबुत, देसियादो, चीको एंड सेंटा क्रूज अर्जेंटीना की एंडीज से आती हुई दूसरी मेन रिवर्स हैं जो अटलांटिक ओशन में जा गिरती हैं। तो दोस्तों, ये होती हैं साउथ अमेरिका की सभी मेजर रिवर्स। नेक्स्ट, आप किस कॉन्टिनेंट की रिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।